Hey guys, welcome back to my channel. आज हम लोग explore करने वाले हैं Nakti Dam. It is around 41 kilometers from Chaivasa. जैसे कि आप देख ही चुके हैं, मैं ready हो चुकी हूँ. मुझे लेने भी आ चुकी है जया. जिन्होंने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. जस्ट अभी हम लोग चैवासा पार किए हैं और आगे यहाँ पे खुद पानी पहुँच गए हैं. और यहाँ पे नवंबर का महीना में खुद पानी मेला लगता है, जो कि काफ़ी फेमस है. आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं. लोग हम लोग फाइनली चकद्दरपुर पहुंच चुके हैं. एंड यहाँ से मैक्सिमम ज़्यादा नहीं, 8 से 10 किलोमीटर होगा नकटी डैम. सो थोड़ा दूर तो जाना पड़ेगा. और ये रहा चकद्दरपुर का ब्रिज. ये जो रेलवे ओवर ब्रिज है CKP का, इसका उद्घाटन 12 जुलाई 2018 में हुआ था. एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है ये ब्रिज. CKP में पहला ओवर ब्रिज है जो कि इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करके बनाया गया है. आगे आप देख सकते हैं कि वहाँ गुरुद्वारा भी है राइट साइड पे. सो गाइज, अभी हम लोग नकटी पहुंच गए हैं. यहाँ से भी हम लोगों को राइट तरफ जाना पड़ेगा. यहाँ से तो PCC रोड गया हुआ है. रास्ता ठीक ठाक है, आगे भी जाने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बस आगे भी यही रास्ता रहे. लेट्स सी, ये वाला गांव आई थिंक पार करना पड़ेगा. ओ, यहाँ से हम लोगों को लेफ्ट लेना पड़ेगा. और रास्ता तो हाँ ठीक ही ठाक है, लेकिन बारिश का सीज़न में प्रॉब्लम होती होगी. अभी अभी तो ठीक है, चल जाने के लायक है. यहाँ आप देख सकते हैं कि लोकल्स ने धान सब लगा रखा है, सो उसकी वजह से लोकेशंस और भी अच्छा लग रहा है. जस्ट देख ही सकते हैं कि हम लोग फाइनली वो Nakti Dam पहुँच चुके हैं. दूर से दिख ही रहा है. सो आई एम एक्साइटेड जल्दी से पहुँचे. नीचे से लोकेशन तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है. आई थिंक उधर ऊपर जाना पड़ेगा ना, गाड़ी तो जाएगा नहीं, सो पैदल ही जाना पड़ेगा. वाव, आप देख ही सकते हैं कि पानी गिरते हुए कितना अच्छा दिख रहा है. चलिए सामने से देखते हैं कि व्यू कैसा है.
वाओ, ऊपर बादल बादल, बीच में पानी बहता हुआ, कितना अच्छा दिख रहा है। अभी जया हीरोइन बन रही है गाइस, अभी फोटो खींचेंगे गाइस उसका। बनाई है लेकिन वीडियो गाइस इसे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए गाइस, हैना बेकर फोर, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाइए गाइस इसका। ओ गाइस डैम लग रही है गाइस। यहाँ पर रेस्ट रूम टाइप से भी बना हुआ है जहाँ आप आराम से बैठ के रेस्ट वगैरह कर सकते हैं, लाइक कुछ खा पी के फिर आप ऊपर साइड जा सकते हैं। सो अभी हम लोग भी कुछ कुछ खा पी के फिर आगे निकलेंगे। सो आप लोग भी खा लो फ्रेंड्स। थोड़ा सा पानी का मजा लेते हैं और वो दोनों बच्चों से बातें भी करते हैं कि वो दोनों क्या क्या बोलेंगे। Cruising in my
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. Mene orang tu na na pengen tu, met kau marak coba kan? Hah? Cina lu tum tapi na? Cina lu tum tapi ya? आई थिंक मैंने सारा लोकेशंस को कवर कर लिया है यहाँ का एंड घर जल्दी निकलना होगा क्योंकि थोड़ा सा दूर है घर से सो जल्दी जल्दी जाना होगा. अब चलिए नीचे चलते हैं. तब मुश्किल से जब ऊपर आए थे वैसे ही आराम आराम से भी नीचे जाएंगे. मिलते हैं नीचे आप लोग से. आज के दिन यहाँ पे नीचे में जहाँ पे हम लोग गाड़ी वगैरह खड़ा किए हैं वहाँ पे बाज़ार भी लगता है. सो जितने भी लोकल लोग हैं वो लोग बाज़ार मतलब कुछ भी ख़रीदने के बहाने यहाँ आके ऊपर थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं. लोकेशंस वगैरह भी शाम के समय में और भी अच्छा लगता है. सो अभी तो हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ेगा इसी वजह से हम लोग उतना लेट तक तो नहीं रुक पाएंगे. अब देख ही सकते हैं कि आगे में उधर वहाँ पे बाज़ार वगैरह है. वीडियो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे. टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड कीप सपोर्टिंग. बाय बाय. बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर. बहुत बहुत धन्यवाद.